फ्रेंड्स, ये बहुत ही हार्डी प्लांट है और ये आप इसे गर्मियों में लगा सकते हैं। ये सिर्फ गर्मियों में ही फूल देता है और ये पूरे साल चलता है, क्योंकि मैंने बोला ये परमानेंट प्लांट है। और हार्डी प्लांट इसलिए कि इसे बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती। फ्रेंड्स, देख रहे हैं फ्रेंड्स कि आप इसके फूल कितने सुंदर लग रहे हैं। ये दो कलर में आता है, देखिए, एक तो पिंक कलर और ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाइट कलर, देखिए वाइट इसमें ना, देखिए कितनी सारी बर्ड हैं इसके अंदर। तो फ्रेंड्स, ये आप समझ रहे हैं ना कि ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। और इसकी मैं सॉइल के बारे में भी आपको बता देती हूँ। ये देखिए, इसकी जो सॉइल है वो वेल ड्रेन सॉइल रखनी है। और इसमें आप 40% मिट्टी, 20% सैंड, 20% आप इसमें ये गोबर की खाद, ये जो खाद है मैं यही इसी खाद का प्रयोग करती हूँ, तो ये खाद डाल सकते हैं आप। और थोड़ा सा कोकोपीट भी आप मिला सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है आपको, बहुत ही खास, कि इसमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। इतनी गर्मी में भी मैं इसमें दो दिन में पानी डालती हूँ एक बार, इसको बहुत ज़्यादा पानी की नीड नहीं होती। अगर आप इस पौधे में बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे फ्रेंड्स, तो ये ख़राब हो जाएगा। ये ना सिर्फ पत्तियाँ देगा, मतलब पत्तियाँ इसकी ग्रीन रहेंगी पर ये फूल नहीं देगा अगर आप बहुत ज़्यादा इसमें पानी डालेंगे। तो ये प्लांट्स उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो बिगनर्स हैं, जिन्होंने अभी अभी गार्डनिंग स्टार्ट की है, उन लोगों के लिए ये प्लांट बहुत ही अच्छा है। वो इस प्लांट से मतलब अपनी गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि इस प्लांट में ना तो कीड़े लगते हैं, किसी भी प्रकार का कीड़ा नहीं लगता, ना इसमें मिली बग लगते हैं, ना इसमें फंगस का अटैक होता है। ये बहुत ही हार्डी प्लांट, अच्छा प्लांट है। और आप इसकी डिज़ाइन और इसकी शेप से भी देख सकते हैं, देख रहे हैं इसकी शेप और डिज़ाइन, ये देखिए, ये बिल्कुल एक पेड़ की तरह लगता है, जैसे छोटा सा पेड़ हो। ये बहुत ही सुंदर लगता है। और ये आउटडोर प्लांट है, इंडोर प्लांट नहीं है ये, इसको धूप की बहुत नीड होती है। आप इसे धूप में रखिए या थोड़ा पार्शियल, जैसे यहाँ सुबह की इसे धूप मिले अच्छी, दोपहर की धूप ना मिले इसे, सुबह की अगर इसे 3-4 घंटे की धूप भी मिलती है फ्रेंड्स, तो इसके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इसके फूल मॉर्निंग में ही खिल जाते हैं और शाम तक इसके फूल सारे मुरझा जाते हैं। जैसे मॉर्निंग ग्लोरी प्लांट होता है, उसके फूल सुबह से खिल जाते हैं, ऐसे ही इस प्लांट के भी फूल सुबह से खिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं, और आप देखिए इसके फूल कितने सुंदर लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे टिश्यू पेपर से बनाकर इस पर लगा दिए गए हैं, कितने प्यारे लगते हैं इसके फूल। और इसमें खुशबू नहीं होती, इन फूलों में कोई खुशबू नहीं होती है, बस ये देखने में बहुत सुंदर लगते हैं फ्रेंड्स। और आप ना इसे हेज के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे हेज, आप समझ रहे हैं ना, गार्डन के किनारे किनारे आप इसको बहुत सारे प्लांट्स लगा सकते हैं, जैसे पिंक वाइट इस तरह से करके लगा सकते हैं, तो ये बहुत सुंदर लगते हैं। हेज के रूप में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं फ्रेंड्स। और इसके बारे में एक और बात मैं बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, कि इसे ना आप उसमें भी लगा सकते हैं, कंटेनर गार्डनिंग में भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने इसको हैंगिंग बास्केट में भी लगाया हुआ है इस प्लांट को, और ये बहुत अच्छे से चलता है, उसमें भी ये बहुत अच्छे से चलता है। यानी कि अगर आपके जो हैंगिंग बास्केट है, अगर वो मतलब 10 इंच 12 इंच की है, तो उसमें ये बहुत अच्छे से चलेगा, उससे छोटी है तो ये नहीं चलेगा उतना। ये देखिए, ये जो मेरा वाइट वाला था फ्रेंड्स, ये पता है इसमें क्या हुआ कि ये गिर चुका था 2-3 बार, और ये गिरने के बाद ये बहुत ख़राब हो चुका था, पर ये इसमें थोड़ा बहुत ही रह गया था, तो इसमें से 2-4 पत्तियाँ निकली थी बस, उसके बाद ये धीरे धीरे इसने अपने आप को ठीक कर लिया। मतलब इसमें बहुत, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, और ये बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता प्लांट, ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप जब नर्सरी पे जाएंगे, किसी भी नर्सरी पे जाएंगे, उससे बोल देंगे कि मैक्सिकम पुटूनिया, इसका नाम मैंने आपको पहले ही बताया है, इसका नाम है मैक्सिकम पुटूनिया, और इसको बोलेंगे कि आप मुझे मैक्सिकम पुटूनिया प्लांट दे दो, तो वो दे देगा। और ये बहुत ही अच्छा प्लांट है, आप इसे अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए। सुबह सुबह जब आप आएंगे गार्डन में, 6-7 बजे इसके फूल खिल जाते हैं, ये बहुत सुंदर लगते हैं, और रात तक इसके फूल सारे मुरझा जाते हैं। देखिए इसकी पत्तियाँ भी कितनी अच्छी हैं, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कीड़ा नहीं लगता। अब हम इसके फर्टिलाइज़र की बात कर लेते हैं, तो इसका जो फर्टिलाइज़र है फ्रेंड्स, वो आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें डालना है, जैसे आप गर्मियों के सभी प्लांट्स में डालते हैं वैसा ही इसमें डालना है। और इसमें कोई विशेष इसका ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, और कभी इस 6 महीने में आप इसमें गोबर की खाद डाल दीजिए बस, इससे ज़्यादा इस प्लांट को कोई नीड नहीं होती, इतनी केयर की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही अच्छा और हार्डी प्लांट है फ्रेंड्स। तो बस मैं आपसे इसी के बारे में बताना चाहती हूँ।
और मेरे वीडियोस को शेयर करिए, और प्लीज़ कमेंट्स में भी बताइए कि मेरी वीडियोस कैसे बनती हैं, मुझे और क्या सुधार करना चाहिए, या आप किस प्लांट के बारे में जानना चाहते हैं, मैं ज़रूर आपको बताऊँगी उसके बारे में। और मेरे मतलब जो आइकॉन बटन है उसको भी ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि आपको नई नई नोटिफिकेशन मिलती है। तो फ्रेंड्स ठीक है, ओके बाय फ्रेंड्स।